हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, और ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर है हमारी यूनिट फर्स्ट का, और आज हमारी जो है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। बात करें, हमारा टॉपिक है आज का फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। तो अगर आप इस लेक्चर तक आए हैं इसका मतलब जो आप ड्रग मेटाबॉलिज्म को अच्छे से समझ चुके होंगे क्या होता है कैसे। इसको हमने कॉलोजी में भी पढ़ा था, मेडिकल में भी पढ़ा, इससे प्रीवियस वीडियो हमारी इसी के ऊपर थी। तो आज हम देखेंगे कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है इसको आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि कोई भी जैसे ड्रग हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो ड्रग देन हमारा जाता है लीवर में, मतलब सारा यूज करने के बाद, अपना इफेक्ट देने के बाद, एक्शन करने के बाद वो हमारा आता है लीवर में, और लीवर में हमारे होते हैं कुछ एंजाइम प्रेजेंट। तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं इस लीवर में उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, यानी कि या तो उसको लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में, जिससे वो हमारे यहां कन्वर्ट हो जाएगा और वो डायरेक्टली हमारी किडनी के सारे यूरिन के साथ हमारा बाहर निकल जाता है। और एक होता है उसको एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कोई ड्रग अपना जो एक्शन दे रहा है उसको इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे जो वो अपना एक्शन नहीं दे पाएगा और हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं होंगे। तो ये हमारा सिंपल था, इसमें फंडा था कि ऐसा हमारी ये चीजें हो रही थी, ठीक है। अब यहां पे अगर हम एक चीज देखें तो कोई हमारा एंजाइम है वो किसी ड्रग को जो मेटाबोलाइज कर रहा है और मेटाबोलाइट्स में जो कन्वर्ट कर रहा है ये उसकी क्या कहलाती है, एबिलिटी कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एंजाइम की एबिलिटी है, ये एंजाइम की क्षमता है कि वो कितने ड्रग को कितनी जल्दी किसी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर रहा है। और जितना जल्दी कोई ड्रग हमारा जो है इसको जितना जल्दी एंजाइम मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करेगा उतनी जल्दी वो हमारी बॉडी से यहां से बाहर निकल पाएगा, ये इसका सिंपल सा टर्म है। अब अगर हम यहां पे देखें ये हमारा इसमें पहला आता है, पहले हम फैक्टर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे जो चार हमने मेन फैक्टर लिए हैं, पहला हमारा है केमिकल फैक्टर, तो इसमें जो है एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन, ये हमारे मतलब दो मेन हैं और इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में दो दो में अकॉर्डिंग से पूछे गए हैं या फिर सात में दोनों को पांच में भी पूछ लेते हैं, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। बाकी बात करें तो कॉलोजी में भी ये थे हमारे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से समझ लेना। देन हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर आते हैं, तो इसमें हमने तीन मेन फैक्टर लिए हैं, एज, डाइट एंड सेक्स डिफरेंस। देन हमारे यहाँ पे आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, तो इसमें क्या इफेक्ट है। देन हमारे यहाँ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, तो ये हमारा इसमें साथ में स्पेशली दे रखा था इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। चलिए एक एक करके हम सारे को समझते हैं। तो अगर हम पहला देखें तो पहला हमारा आता है एंजाइम इंडक्शन। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई हमारा जो एंजाइम है तो ये ड्रग को जितने जल्दी मेटाबोलाइज में कन्वर्ट कर रहा है उसकी एबिलिटी होती थी। अब अगर कोई ऐसा ड्रग आ गया वो ड्रग क्या करे इस एंजाइम की इस एबिलिटी को बढ़ा दे, यानी कि एंजाइम की एबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि ये जो हमारे एंजाइम होंगे ये इस ड्रग को, यानी कि ये एंजाइम हमारे इस ड्रग को बहुत ही जल्दी यानी कि इंक्रीज होएंगे, तो बहुत जल्दी हमारे ये मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, और जितनी जल्दी हमारे मेटाबोलाइज होगा उतनी जल्दी हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है कि कोई हमारे ऐसे ड्रग या कुछ चीज होती है वो क्या करती है हमारी एंजाइम की जो एबिलिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी जो है ड्रग को मेटाबोलाइज करेगी और उसको जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी, यानी कि बाहर निकालेगी। ये हमारा सिंपल टर्म था। अब इसमें हो क्या कह सकते हैं, क्या क्या मतलब रीजन क्या वजह हो सकती है इसमें, तो ये हो सकता है कि या तो हमारा लीवर का जो साइज है वो बढ़ जाए, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा लीवर है, तो अगर इसका साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा तो भाई सिंपल सी बात है जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा हमारा ड्रग इसमें आएगा और उतना ज्यादा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। दूसरा ये टर्म है कि या पता है इसमें हमें जो लीवर में जो ब्लड फ्लो आ रहा है वो हमारा बढ़ जाए, यानी कि ये ड्रग हमारा आ तो ब्लड के सहारे रहा है, तो अगर वो ब्लड का जो फ्लो है वो अगर ये वाला जो फ्लो है ये अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा ड्रग भी फिर ज्यादा आने लगेगा, और जितना ज्यादा ड्रग आएगा वो कंपाउंड जो उतना ज्यादा क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा, ठीक है। अब हमारी एक और बात आती है कि या तो स्टेबिलिटी ऑफ साइटोक्रोम P450, हमको पता है मैक्रोजोमल एंजाइम नॉन मैक्रो दोनों तरह के होते हैं, तो मैक्रोजोमल में सबसे मेन जो एंजाइम होता है वो हमारा होता है साइटोक्रोम P450। तो अगर ये एंजाइम आपसे कई बार ऐसे स्पेशली मतलब दो मार्क्स में पूछ सकते हैं कि राइट करो साइटोक्रोम P40 एंजाइम क्या है, तो आपको बताना है कि ये हमारा मैक्रोजोमल एंजाइम का होता है और ये हमारे लीवर की स्मूथ एंडोप्लियम जो रेटिकुलम यहाँ पे जो लेयर्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हमारा जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म करने में। तो ये क्या करता है इस एंजाइम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और जब ये स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी तो ये और ज़्यादा अपना जो है काम करने लगेगा। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है एंजाइम इंडक्शन। अब अगर एग्जांपल देखें तो मान लो कोई हमारा ड्रग है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक स्टेरॉइड, तो इसमें क्या किया कि जो हमारा एक एंजाइम होता है इसी का पार्ट होता है साइटोक्रोम का, साइटोक्रोम 3A4, तो इसको क्या कर सकते हैं ये हमारा काम कर रहा है। अभी ये देखिए कि ये वाला ड्रग को ये जो हमारा एंजाइम है ये क्या कर रहा है, इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, फिर मेटाबोलाइज कर रहा है, इसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। अब अगर हमने एक और यहां पे कोई ड्रग हमारी बॉडी में आ गया जिसका नाम है रिफामपिन, तो ये क्या करेगा इस एंजाइम की एंजाइम की एबिलिटी को बढ़ा देगा, यानी कि इस एंजाइम की एबिलिटी बढ़ा देगा, और इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन, यानी कि एबिलिटी को बढ़ाना इंडक्शन कहलाता है, इंड्यूस्ड कर देना। और इससे क्या होगा कि ये ड्रग बहुत जल्दी जल्दी जो है ये वाले ड्रग को यहां इनएक्टिव फॉर्म में
कन्वर्ट करेगा, मेटाबोलाइज करेगा और हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा। तो यही फंड हमारा कहलाता है एंजाइम इंडक्शन। अब यहाँ पे एक बात यह है कि जो ड्रग हमारा ये काम कर रहा है मेन, यानी कि हम कह सकते हैं दोज ड्रग और सब्सटेंस विच इंड्यूस्ड द एंजाइम, दैट इज नोन एज एंजाइम इंड्यूसर। यानी कि जो ड्रग जब वो हमारे एंजाइम इंडक्शन में कर रहा है उसको हम एंजाइम इंड्यूसर्स बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा है। अब आपको अगर ये ड्रग के नाम याद नहीं रहते हैं, मुझे पता है ये मतलब ड्रग के नाम, तो आप एक सिंपल इस तरह टर्म कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लेट कीजिए कि ये हमारा है एक ए ड्रग है, और ये ए ड्रग है जो एंजाइम की मदद से हमारा मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर इनएक्टिव हो रहा है, देन हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, सिंपल है। अब यहाँ पे एक और हमारा ड्रग आया बी ड्रग, तो इसने क्या किया, ये हमारा एंजाइम इंड्यूसर है यानी कि एंजाइम की इंडक्शन को बढ़ाएगा, तो इसने क्या किया इसकी इंडक्शन को बढ़ा दिया, जिस वजह से क्या हुआ ये ए ड्रग है बहुत जल्दी जल्दी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा, बहुत जल्दी ड्रग को इनएक्टिव करेगा और बहुत जल्दी हमारे जो एलिमिनेट करेगा, तो इसने सारा कुछ इंक्रीज कर दिया और ऐसे हमारे कहलाते हैं एंजाइम इंडक्शन। अब हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन की। तो अगर हम यहाँ पर ये टर्म का देखें तो इसका मतलब सिंपल होता है कि इसका उल्टा है। जैसे हमने जो देखा था इंडक्शन में हमारी एंजाइम की एबिलिटी बढ़ रही थी, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा एंजाइम है उसकी एबिलिटी जो है घट जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि एंजाइम हमारा मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट कर रहा, तो इसकी एबिलिटी है, तो हमारा इंडक्शन में बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे केस में क्या हो जाएगा ये एबिलिटी कम हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि अब ये एंजाइम जो है ड्रग को बहुत ही स्लो या बहुत कम ड्रग को जो है मेटाबोलाइज में कन्वर्ट करेगा। और अगर ये हमारी एबिलिटी ये यहाँ पे कम होने की कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है हमारे जो एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्यों है, तो इसके पीछे हमारे ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा डायरेक्ट और एक हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि कोई भी जैसे ये हमारा एंजाइम है, तो इस एंजाइम की ये साइट है ना, यहाँ पे हमारे ड्रग की जगह जो हमारा दूसरा ड्रग है जो इसको कम करेगा वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, और उसके अटैच होने की वजह से क्या है कि ये एंजाइम अपना काम सही से नहीं कर पाता है, और जब एंजाइम काम सही से नहीं करेगा तो हमारा ये मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये डायरेक्ट वाले में भी दो चीजें आती है, एक हमारा होता है कंपटीशन और एक हमारा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिशन सिंपल फंडा है कि अगर वो इसी के सेप का आ गया, यानी कि जो हमारा ये वाला ड्रग है इसी के सेप का हमारा जो दूसरा ड्रग आ रहा है जो इसको वो करेगा, वो भी अगर हमारा इसी के सेप का होगा तो वो कॉम्पिटिशन कहलाएगा, और अगर ये हमारा सेप अलग है इससे सेप अलग है, लेकिन ये डायरेक्टली इस पे जाके अटैच हो गया हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को बिल्कुल बंद कर देगा, रद्द कर देगा, तो ये हमारा कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव। एक हमारा होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारे एंजाइम के साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की सिंथेसिस, यानी कि जो लीवर के अंदर हमारे एंजाइम बनता है वो बनना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, एक ये रीजन हो सकता है। बाकी क्या है, जो उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि जो उसको जरूरत होती है एंजाइम को उसकी न्यूट्रिशनल की, वो सब हमारे कम हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि हार्मोन जो हमारे होते हैं बॉडी में वो भी इसमें बहुत ज्यादा रोल करते हैं, तो वो इंबैलेंस हो जाएंगे यानी कि कम ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सब हमारे रीजन होते हैं एंजाइम इनहिबिशन के लिए। एग्जांपल जैसे हमारा होता है यहाँ पे टेरफेनाडिन होता है, तो इसमें हमारा जो साइटोक्रोम 304B ये हमारा इसको मतलब कन्वर्ट करता है, बाहर निकालता है, लेकिन अगर इसमें एक ड्रग हमारा जुड़ जाता है एराइथ्रोमाइसिन कीटोकोनाजोल, तो ये क्या करेगा इसको इनहिबिट कर देगा, यानी कि एंजाइम को रोक देगा, और जब एंजाइम हमारा नहीं रहेगा तो ये हमारा एक्टिव का एंटी भी रहेगा। तो ये सिंपल सा फंडा होता है हमारा एंजाइम इनहिबिशन का, और इसको भी आप चाहते तो डायरेक्टली आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि एक ड्रग हमारा एंजाइम है और ए है, मतलब इसको एंजाइम हमारा क्या कर रहा है एलिमिनेट कर रहा है बाहर, लेकिन यहाँ पे हमारा एक बी ड्रग आया उसने कहा कि इसको इनहिबिट कर दिया, यानी कि उसने एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया, अब ये हमारा ना तो एलिमिनेट करेगा घट जाएगा और ना ही मेटाबॉलिज्म कर पाएगा, तो ये हमारे कहलाते हैं एंजाइम इनहिबिटर। अब हम दूसरे अपने फैक्टर समझते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। तो अब बायोलॉजिकल फैक्टर की इतनी सिंपल सी कहानी है कि इसमें हमारे जैसे एज भी हमारी जो है मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालती है। क्यों डालती है, तो अगर हम देखें न्यूनेट्स, यानी कि जो मतलब पैदा होते हैं जस्ट और पैदा होने से 2 महीने के बीच में, उनमें क्या होता है मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अब मेटाबॉलिज्म उनमें स्लो होने का रीज़न ये होता है कि उनके अंदर जो हमारे ये एंजाइम्स होते हैं माइक्रोबियम, ये हमारे डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि नए नए आए हैं तो डेवलप नहीं हो पाते, इस वजह से उनकी जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग की वो बहुत कम होती है, इसलिए बहुत ही बच्चों में बहुत ही कम दिए जाते हैं और मोस्टली जो है लिक्विड दिए जाते हैं, ऐसे सिरप वगैरह या वाटर सॉल्युबल दिए जाते हैं जिन्हें मेटाबॉलिज्म की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। फिर बात करते हैं चिल्ड्रन, जो मतलब 1 से 12 साल के बच्चे होते हैं, इनमें मतलब बहुत अच्छी रैपिड होती है क्योंकि उनमें नए नए एंजाइम सारे बने होते हैं मेटाबॉलिज्म, तो बहुत अच्छे से वो जो है मेटाबॉलिज्म करते हैं, कंपेयर टू एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं उनकी अपेक्षा भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं। फिर बात करें जो ओल्डर पर्सन, यानी कि जो बूढ़े हो जाते हैं थोड़े, उनमें भी मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि हमने जहां देखा कि एज भी हमारा एक फैक्टर है, जो मेटाबॉलिज्म एज की वजह से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। बात करते हैं डाइट की, यानी कि खाना, तो खाना भी हमारा जो है इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है किसी भी एंजाइम ड्रग की मेटाबॉलिज्म में। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम कोई लो प्रोटीन वाली डाइट खाते हैं तो वो उसमें कंडीशन में क्या होगी, हमारी मेटाबॉलिज्म कम होगी, और अगर हम कोई हाई प्रोटीन वाली डाइट खाते हैं तो उसमें हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगी। इसके पीछे रीजन ये है कि लो प्रोटीन और हाई प्रोटीन में, जो हाई प्रोटीन हमारा होगा तो जो प्रोटीन होती है ना ये हमारी क्या करती है एंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ा देती है। अब ये हमारा जो एंजाइम है अगर ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगी तो ये हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा, तो वही ये फंडा है कि जो हाई प्रोटीन वाले होते हैं ये हमारी सिंथेसिस को बढ़ा देंगे, और लो प्रोटीन में क्या होगा हमारी सिंथेसिस बढ़ेगी नहीं तो कम होगी। तो ये हमारा देखने को मिला है कि यहाँ पे हाई प्रोटीन
प्रोटीन वाली डाइट्स होती है वहाँ पर हमारी एंजाइम की मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो हमारे जल्दी पचने लगते। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे साइज सेक्स डिफरेंस की, तो इसमें हम ये देखने को मिलता है कि ये भी मतलब अलग अलग होते हैं, कुछ प्यूबर्टी की वजह से या कुछ अलग से फंडे होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो एक हमारा वेंजोडाइजेपिन से एक हमारा वो होता है ड्रग होता है, तो ये हमारा जो वुमेन्स होती हैं उनमें ये हमारा स्लो मेटाबॉलिज्म होता है अपेक्षा मैन के, और मैंस जो होते हैं उसमें ये हमारा बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी वुमेन्स की अपेक्षा बहुत जल्दी जो है मेटाबॉलाइज हो जाता है। तो ये भी हमें देखने को यहाँ पे डिफरेंस मिलते हैं। बाकी बात करें तो ऐसे और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, डिजीज हो गया, कोई बीमारी है तो ये भी अफेक्ट करेगी। पर हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो ये भी हमारा जो है अफेक्ट करेगा इसको मेटाबॉलिज्म को। अब हम बात करते हैं कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे जैसे पीके वैल्यू हो गई, सॉलिबिलिटी हो गई, पोलरिटी हो गई, साइज शेप हो गया, तो ये जो ड्रग के होते हैं ये भी हमारे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं हमारी मेटाबॉलिज्म पे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है इस पे जाके मतलब कुछ ना कुछ अपने इफेक्ट डालेंगे। जैसे किसी का साइज बड़ा है तो वो इसको डिफरेंस करेगा, कोई इसका छोटा है, तो ये सब चीज़ें जो इसको इफेक्ट डालती हैं, लेकिन ये मतलब इतनी फिक्स नहीं होती हैं, डाल भी सकती हैं नहीं भी डाल सकती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन हम बात करते हैं अपने स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो इसके लिए आपको मैंने एक वीडियो पहले जो हमारा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बताया था। चलिए सिंपल समझ लेते हैं। तो इसका मेन फंडा ये होता है कि जो हमारे स्टीरियो केमिकल्स होते हैं वो भी हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब क्या होते हैं कैसे है? एक शॉर्ट लाइन में समझे तो स्टीरियो केमिकल्स में हमने पढ़ा था एक ऑप्टिकल आइसोमेरेज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज। ऑप्टिकल में हमारे दो तरह के कंपाउंड्स थे, जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स थे वो हमारी क्या करते थे, पीपीएल को मतलब रोटेट कर देते थे, रोटेट कर रहे थे इस वाली लाइट को, और अगर वो क्लॉक वाइज रोटेट करते तो वो डेक्ट्रो होते थे, और एंटी क्लॉक वाइज करते तो वो क्या होते थे, लीवो होते थे। ये हमारे फंडे थे। अब ये देखने को मिला ये दोनों के दोनों हमारे इनेंसियोमर थे, यानी कि नॉन सुपर इंपोजन मिरर। अब इनको ये देखने को मिला कि कुछ कुछ ऐसे हमारे ड्रग होते हैं जो जब अपनी लीवो सॉरी डेक्ट्रो फॉर्म में होते हैं तो उनका जो इफेक्ट होता है यानी कि असर होता है वो उनका अलग होता है, और वो अगर लीवो फॉर्म में होते हैं तो उनका जो है असर अलग होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो क्यूनोन हमारा जब लीवो फॉर्म में होता है तो वो मलेरिया की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, लेकिन अगर वो डेक्ट्रो फॉर्म में होता है तो वो अपना कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। उसके बाद कुछ तो हमारे ऐसे ड्रग देखने को मिले हैं जो मतलब एक फॉर्म में अपना अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, दूसरे फॉर्म में वो हार्मफुल इफेक्ट दे रहे हैं। तो ये मैं बता रहा था, ये हमारी जो बायोकेमिस्ट्री जैसे प्रीवियस वीडियो थी मतलब ड्रग मेटाबॉलिज्म से, वो आप यहां देख सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे बताऊं कि एक हमारा ये ड्रग होता है डी पेनिसिल अमीन, तो ये हमारा जो है ट्रीटमेंट करता है आर्थराइटिस में, यानी कि आर्थराइटिक गठिया वगैरह हो जाते हैं जब जॉइंट्स पे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो एल इसका मतलब दूसरा वर्जन है लीवो वाला एल पेनिसिल अमीन, ये हमारा क्या करता है हाईली टॉक्सिक, यानी कि अगर इसकी जगह ये वाला दे दिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान कॉज कर सकता है। तो यही रीजन होते हैं यहां पे कि हमारी और ये स्टीरियो केमिकल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अब जब इनके इफेक्ट में डिफरेंस होता है तो इनके मेटाबॉलिज्म में भी इसी के जरिए जो है डिफरेंस हो जाता है। जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो हमारा डी ग्लूकोज है यानी कि डेक्ट्रो ग्लूकोज है, ये तो हमारा इजीली मेटाबॉलाइज हो जाता है, लेकिन जो एल वाला ग्लूकोज होता है लीवो ग्लूकोज, ये हमारा मेटाबॉलाइज नहीं होता। यही रीजन है कि आप देखेंगे बहुत से जो भी आपको घोल मिले या कुछ भी तो वहां पे आपको डी ग्लूकोज वाला लिखा हुआ मिलता है, और डी ग्लूकोज इसलिए लिखा था क्योंकि वो इजीली मेटाबॉलाइज हो जाता है, एल ग्लूकोज आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं कहीं मतलब यूज होता होगा, यहां पे आपको जो नॉर्मल घोल ओआरएस वगैरह मिलता है उसमें आपको एल ग्लूकोज नहीं मिलेगा, डी ग्लूकोज लिखा हुआ मिलेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसी को जो इनेंसियो सिलेक्टिविटी बोलते हैं। अब ये हमारी जो यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है, बाकी इसके सारे वीडियो लेक्चर जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी जितने भी और लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी किसी में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए इस कोरोना टाइम पर।